सो फाइनली होंडा ने अपनी CBR650R को ग्लोबली रिवील कर दिया है एंड आज हम इस वीडियो में इसी बाइक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। CBR650R इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट 600cc बाइक है क्योंकि इस बाइक में आपको मिलता है इनलाइन 4 सिलेंडर 649cc इंजन एंड वो भी सिर्फ 11 से 10 लाख रुपए के बजट में। तो नेक्स्ट अगर हम CBR650R के 2024 मॉडल की अगर बात करें तो इस बाइक में आपको सेम इंजन मिलता है 649cc इनलाइन 4 सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 95 HP की पावर एट 12,000 RPM एंड 63 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 9,500 RPM। CBR के नए मॉडल में आपको सेम इंजन मिलता है जो कि सेम पावर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस बाइक के इंजन में बस एक मेजर चेंज है कि इस बाइक में आपको मिलता है क्विक शिफ्टर। नेक्स्ट अगर हम CBR650R के फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में आपको मिलता है ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ई क्लच। एंड इस बाइक का सबसे बेस्ट चेंज कि इस बाइक में भी आपको मिलता है एक फुल्ली डिजिटल TFT कलर्ड मीटर कंसोल जिसमें कि आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी फीचर मिलता है एंड उसी के साथ साथ इस बाइक में अभी आपको हीटेड ग्रिप का भी ऑप्शन मिलता है। CBR650R के फ्रंट में आपको मिलता है गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स एंड रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। इस बाइक के फ्रंट में आपको ड्यूल हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगा। इस बाइक के रियर में LED टेल लाइट एंड LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। CBR650R में आपको ऑल एरिया लाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम इस बाइक के लुक्स की बात करें तो इस बाइक के लुक्स में आपको बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे जैसे कि इस बाइक में भी आपको न्यू शेप की LED हेडलाइट एंड LED टेल लाइट देखने को मिलेगी। न्यू CBR650R के लुक्स पहले से और भी ज़्यादा एजाइल शार्प एंड एरोडायनामिक है। इस बाइक को देखकर ऐसा लगता है कि इस बाइक के लुक शार्क से इंस्पायर्ड हो, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है ये कमेंट करके बताओ। एंड फाइनली अगर हम 2024 CBR650R की प्राइस की बात करें तो इस बाइक की प्राइस आपको 10,80,000 रुपीस एट शोरूम देखने को मिलेगी। आखिर आपको ये बाइक कैसे लगी है कमेंट करके बताओ एंड और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।